फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। यह एक प्रोसीजर लॉ है जिसमें जो भी दांडिक अपराध होते हैं, जैसे अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक दांडिक प्रकृति के होते हैं, एक सिविल प्रकृति के होते हैं। तो जो दांडिक प्रकृति के होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस यूज होती है, जिसके अनुसार कार्य होता है, वो हमें सीआरपीसी बताती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में सीआरपीसी की रेंज याद की और उसकी रेंज के बारे में जाना, आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में जानते हैं कि वो क्या है और क्या बताता है। चैप्टर वन प्रारंभिक, जो 5 सेक्शंस के अंदर दिया गया है। इसकी सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें डेफिनेशंस बताती है कि कौन सी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ये हमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकती है एंड इसमें हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, जमानत क्या है, इन सब के बारे में मुझसे पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और याद करना है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, इसका नाम क्या है, पूरा नाम इसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1973। ओके, उसके बाद बताया गया है इसका विस्तार कहाँ है। यह संपूर्ण भारत में लागू की गई है, परंतु अध्याय 8, 10 और 11 ये खाली मतलब ये नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में लागू है। नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में बाकी जैसे पहला अध्याय है, जितने भी बाकी चैप्टर्स है, वो कहीं पे मतलब वहाँ पे लागू नहीं है। वहाँ पे सीआरपीसी के सिर्फ 3 चैप्टर ही लागू होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। उसके बाद में ये बताता है कि इसको लागू कब किया गया, प्रवर्त कब हुई। तो ये हुई 1 अप्रैल 1974। तो इसका नाम है 1973, बट ये लागू हुई है 1974 के अंदर, बन के तैयार हुई 1973 में और लागू हुई 1974 में। अलावा इसमें एक ये भी हो सकती है कि मतलब 1974 का अधिनियम संख्या कितनी थी, 1974 में जो अधिनियम बन के आया है तो ये कितने नंबर पे बन के आई थी, ये बन के आई थी 2 नंबर पे। ओके, और 25 जनवरी 1974 को इसको मान्यता प्राप्त हुई। अब इसके बारे में देखते हैं सेक्शन 2 जो इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं। इसके अंदर जितनी भी परिभाषा दी गई है उसके अलावा कोई भी शब्द आता है उसका मीनिंग हम जैसे भारतीय दंड संहिता में आईपीसी के अंदर दिया गया था उसी के अनुसार समझेंगे उसका अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं ए, वो है जमानती अपराध। जमानती अपराध कौन से हैं, जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। प्रथम अनुसूची है, इसके मतलब चैप्टर्स खत्म होने के बाद में अलग से काफ़ी अनुसूचियाँ बनाई गई है, उनमें बताया गया है कि जमानती अपराध कौन से और अजमानती अपराध कौन से हैं। हमारे डेफिनेशन है 2, आरोप। आरोप वो है जिसमें एक से अधिक शीर्षक होते हैं, मतलब आरोप लगाए हैं उनके जितने भी शीर्षक हैं वो सभी भी आरोप ही कहलाएंगे। फिर उसके बाद में सी है संज्ञेय अपराध, कॉन्जिबल ऑफेंस। इसमें बताया गया है जिसमें पुलिस प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध कौन से हैं, वो अपराध जिन अपराधों पर पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, वो सब अपराध संज्ञेय अपराध है। परिवाद मैजिस्ट्रेट को किया जाता है, लिखित रूप में किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो भी मतलब मामले होते हैं जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाते हैं अपराध के बारे में, वो सभी परिवाद होते हैं। इसके बाद में उच्च न्यायालय राज्य, कोई राज्य है उसका जो भी उच्चतम न्यायालय है वो उच्च न्यायालय कहलाएगा। और संघीय क्षेत्र है, उसमें किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उसको अधिकारिता दी गई है तो वह उसके लिए उच्चतम न्यायालय होगी। किसी अन्य राज्य में उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघीय राज्य क्षेत्र का दांडिक अपील करना सर्वोच्चतम न्यायालय है। जहाँ भी हमें सर्वोच्चतम, जिस जगह में हम रह रहे हैं हमें सर्वोच्चतम मिल रहा है कि हम उससे ऊपर उस न्यायालय में अपील कर सकते हैं या अपना केस लेके जा सकते हैं, वो उच्चतम न्यायालय है। फिर उसके बाद में चय, वो हमें बताता है भारत से अभिप्राय उस क्षेत्र से है
जहाँ तक यह संहिता मतलब हमारी सीआरपीसी जहाँ तक लागू होती है वो सारा क्षेत्र पर भारत है, क्योंकि हमने सेक्शन एक में पढ़ा था कि यह संपूर्ण भारत में लागू है। जी जी पे है जांच, जांच से अभिप्राय है कि ऐसे प्रत्येक जांच जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट और न्यायालय द्वारा की जाती है, वो अन्वेक्षण होता है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ एच के अंदर अन्वेक्षण, इसमें बताया गया है जब कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है तो वह अन्वेक्षण कहलाती है। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही वो होती है जो साक्ष्य अन्वेक्षण में एकत्रित किए गए हैं उनको वैध रूप देना कि वो सही है या गलत है वो बताना अन्वेक्षण कहलाता है। सॉरी, वो न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। फिर है जे पे लोकल जुडिशियरी, मतलब स्थानीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है, मतलब जहां मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, वही उसकी स्थानीय अधिकारिता होती है। महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र को धारा 8 में एक्सप्लेन किया गया है, हम धारा 8 पढ़ेंगे तब महानगर क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में है संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है वो असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अधिसूचना जो राजपत्र के अंदर प्रकाशित की जाती है वही सब अधिसूचनाएं होती है। अपराध ऐसा कोई कार्य या लोभ जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बताया गया है वह अपराध है। इसके अंदर पशु अतिचार अधिनियम 1871 को भी सम्मिलित किया गया है। अब पुलिस थाना भार अधिकारी, थानावार अधिकारी के अंदर पुलिस थानावार अधिकारी क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। इसमें बताया गया है कि पुलिस थानावार अधिकारी जिसे नियुक्त किया गया है वो नहीं है न्यायालय में, तो कौन पुलिस थानावार अधिकारी समझा जाएगा? तो उसमें समझा जाएगा जो व्यक्ति उसके कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर, मतलब पुलिस अधिकारी, मतलब पुलिस थानावार अधिकारी पुलिस स्टेशन में नहीं है, तब उस व्यक्ति से नीचे और कॉन्स्टेबल पंक्ति से ऊपर वाला व्यक्ति पुलिस थानावार अधिकारी समझा जाएगा। या राज्य द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को पुलिस थानावार अधिकारी घोषित किया गया है या बताया गया है तो वो व्यक्ति पुलिस थानावार अधिकारी समझा जाएगा। उसके बाद है स्थान, स्थान के अंदर ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है प्लीडर, ऐसे न्यायालय में तत्परवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यापार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से अभिप्राय है और इसके अधीन अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, मतलब कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर विधि व्यापार करने के लिए, विधि व्यवसाय करने के लिए नियुक्त किया गया है, अनुमति प्राप्त की है, तो वो सब प्लीडर के अंतर्गत आते हैं। पुलिस रिपोर्ट, इसे हमारी सेक्शन 173 के अंतर्गत बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। इसमें बताया गया एफआईआर जो मतलब मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है, रिपोर्ट भेजी जाती है वही पुलिस रिपोर्ट होती है। मतलब किसी के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की गई है, उसकी जांच अन्वेक्षण की है, उसके बाद में जो भी पुलिस को पता चला है उसको उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास भेजा है तो वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है जो अपनी 173 के सेक्शन में दी गई है सीआरपीसी की। पुलिस थाना कोई भी ऐसी चौकी या स्थान से विपरीत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशिष्ट विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार किसी भी स्थान को पुलिस स्टेशन घोषित कर सकती है, चाहे वो पुलिस चौकी हो वो नहीं है तो कोई और स्थान, या फिर कोई स्थान को पुलिस स्टेशन बनाया गया तो राज्य सरकार द्वारा जो भी घोषित स्थान होता है तो उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है।
विहित, विहित का मतलब होता है इस संहिता के नियमों के अधीन रहते हुए कोई कार्य होना, मतलब विहित। फिर लोक अभियोजक, लोक अभियोजक की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे सेक्शन 24 के अंदर सीआरपीसी की। लोक अभियोजक के अधीन जो भी कार्य किया जाता है उसी को मतलब लोक अभियोजक कहा जाता है, धारा 24 में इसको हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। फिर उपखंड, उपखंड के अंतर्गत जिला, उपखंड का अभिप्राय है मतलब उपखंड मतलब जिले, जो भी हमारे मतलब राज्य के अंदर जिले रहते हैं उन सबको उपखंड कहा गया है। संबंध मामले, संबंध मामले से अभिप्राय ऐसे मामले से है जिसमें किसी भी अपराध के संबंध में जो कि वारंट मामले नहीं है, संबंध मामले वो है जो वारंट मामले नहीं है, ठीक है। फिर पीड़ित, ऐसे पीड़ित ऐसे व्यक्ति से अभिप्राय है जिसे उस कार्य या लोप में मतलब किसी कार्य लोप से उसे क्षतिकारित हुई या हानिकारित हुई है और वह किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वो हानि और क्षति के लिए अपील करता है, वो सब व्यक्ति पीड़ित के अंतर्गत आते हैं। पीड़ित में उसके संरक्षक और उसके वसीयत के वारिस भी सम्मिलित रहते हैं। वारंट मामले, वारंट मामले से अभिप्रायित वह मामले है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित अपराध है। मतलब जिन अपराधों में 2 वर्ष से अधिक अपराध मतलब 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है या आजीवन कारावास दिया जाता है, वो सभी हमारे वारंट मामले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो बताया गया लास्ट में। उन सब दो पदों में जो इसमें प्रयोग किए गए हैं और परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु भारतीय दंड संहिता में दंड संहिता 1860 में परिभाषित किया गया था, उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो अर्थ वहाँ पे था। ये सभी सेक्शंस में लागू होता है क्योंकि किसी चीज़ का अलग अलग डेफिनेशन दे दी जाएगी तो उसको समझने में, याद करने में कन्फ्यूज़न होगी। तो जिस पद को एक संहिता में, एक बुक में एक्सप्लेन कर दिया गया है उसको वहीं पे हम वही अर्थ बाकी सब बुक्स में उस शब्द का वही अर्थ मानेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा? प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं।